हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @Nabia111 में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और इसमें हम सबसे पहले किसी भी संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे यानी वर्ग। यानी हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। अगर हमें कोई संख्या दी जाए जैसे 107 और बोल दिया जाए कि इस संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग करो, तो आप कैसे करोगे? यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे, यानी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 107 और इस संख्या का हमें वर्ग करना है, तो सबसे पहले हमें इस संख्या में क्या देखना है, इसका हमें बेस देखना है, यानी यह संख्या किस संख्या के आसपास है। तो हमने इसका बेस मान लिया, माना इसका जो बेस है वो 100 मान लिया हमने, यानी यह संख्या 100 के आसपास है। तो हमें ये देखना है यह संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। हमें पता है यह संख्या 100 से 7 ज़्यादा है, यह संख्या 100 से 7 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 107 में जितनी संख्या कम या ज़्यादा है वही संख्या हमें इसमें जोड़ देनी है। अगर संख्या 100 से ज़्यादा है तो जोड़ देना है, और अगर संख्या 100 से कम है तो फिर घटा देना है। और यहाँ पे जो संख्या जितनी ज़्यादा होगी उस संख्या का हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 107 में 7 जोड़ने से आएगा 114, और यही 107 का वर्ग यानी स्क्वायर है 11,449। 112, और इस संख्या का हमें वर्ग करना है, तो इस संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसका बेस देखना है, यानी इसका बेस क्या है, यानी यह संख्या किसके आसपास है। हमें पता है यह संख्या 100 के आसपास है, यानी इस संख्या का जो बेस है वो 100 है। तो फिर यह संख्या कितनी ज़्यादा है 100 से, यह संख्या 12 ज़्यादा है, 100 से यह संख्या 12 ज़्यादा है। तो हमें 112 में 12 ही जोड़ देना है, और जितनी संख्या या 100 से ज़्यादा है उसी संख्या का हमें यहाँ पे वर्क करना है। संख्या 100 से 12 ज़्यादा है तो हमें 12 का ही वर्क करना है, और 112 में 12 ही ऐड करने हैं, यानी 12 ही इसमें जोड़ने हैं। तो फिर 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और 112 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट रखनी है, यानी 44 हम यहाँ रखेंगे, और जो U1 है जो इस संख्या में ऐड कर देंगे, यानी 4 और 1 हो जाएगा 5, और फिर 2 और फिर 1, यानी 112 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 12,544। जैसे 119, अगर हमारे पास कोई संख्या है 119 और इस संख्या का हमें वर्ग करना है, तो इस संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस संख्या का बेस देखना है, यानी यह संख्या किस संख्या के आसपास है। तो यह संख्या 100 के आसपास है, यानी यह संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, यह संख्या 100 से 19 ज़्यादा है। तो हमें इस 119 में 19 ही जोड़ देना है, और जितनी यह ज़्यादा संख्या है इस संख्या का हमें इधर वर्ग लिखना है, यानी 19 का वर्ग। 19 का वर्ग होता है 361, और 119 में जब हम 19 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 138। अब हमें इधर दो ही डिजिट रखनी है, यानी 61 हम यहाँ रखेंगे, 3 8 में जुड़ जाएगा, 8 और 3 हो जाएगी 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4, और 1 ऐसे वैसे ही। 119 का जो वर्ग हो जाएगा
वो हो जाएगा 14,161। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 99 का वर्ग करना हो तो हम 99 का वर्ग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस संख्या का बेस चेक करेंगे, यानी यह संख्या किसके आसपास है। तो यह संख्या 100 के आसपास है। फिर हमें यह देखना है यह संख्या 100 से ज़्यादा है या फिर कम है। यह संख्या 100 से कितनी कम है? एक कम है। अगर एक कम है तो हमें क्या करना है, इस 99 में से एक कम कर देना है और जितनी कम है उस संख्या का इधर वर्ग लिखना है हमें। उस संख्या का हमें इधर वर्ग लिखना है, जीरो लगा के इधर वर्ग लिखना है। अब एक का जब वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग हो जाएगा एक, और 99 में से एक घटाने से कितना बचेगा? 98। तो 99 का जो वर्ग होगा वो होगा 9,801। यानी यह संख्या 99 से जितनी कम है उतनी ही संख्या में इसमें से घटा देनी है और जितनी कम है उस संख्या का इधर वर्ग लिखना है। अगर ज़्यादा है तो फिर हमें ऐड कर देना है और जितनी संख्या ज़्यादा है इधर उस संख्या का वर्ग लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 87 यानी स्वतंत्र का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस संख्या का बेस चेक करना है, यानी यह संख्या किसके आसपास है। तो हमें पता है यह संख्या 100 के आसपास है। अब यह संख्या 100 से कितनी ज़्यादा या फिर कितनी कम है? तो यह संख्या 100 से 13 कम है। तो हमें 87 में से 13 माइनस कर देने हैं और जितनी यह संख्या 100 से कम है उस संख्या का हमें इधर वर्ग लिखना है, यानी 13 का वर्ग हो जाएगा 169। और 87 में से जब हम 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 74 यानी 74। लेकिन हमें तो इधर दो डिजिट रखनी है, यानी दो ही संख्या रखनी है, तो 69 यहाँ पे आ जाएगा और एक ऐड हो जाएगा 4 में, यानी 4 और एक हो जाएगा 5 और 7 ऐसे कैसे ही, तो ये हो जाएगा 7,559। यानी 87 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 7,559। इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्ग मिनटों या सेकंडों में निकाल सकते हैं।